जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावसकार, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM रेडियो वही अपना FM 107। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मावश खान मौजूद और इसके साथ ही आज के हमारी गेस्ट जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ सादिया हमारे साथ मौजूद हैं और सादिया बाय प्रोफेशन टीचर हैं, इसके साथ ही साथ एक बड़ा मजेदार काम कर रही हैं स्टोरी टेलिंग का, तो उनके बारे में जानते हैं हम इन्हीं से। सलाम करते हैं इनको। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, महवेश आप कैसी हैं ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, और आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आए और हम आपसे आपकी प्यारी प्यारी सी बातें सुन सकें, तो बस आपका इंतजार हो रहा था अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे प्यारी प्यारी बातें तो आप लोग ही कर रहे हैं ना, आप तभी तो मुझे चुना आपने, है ना? हम लोग मिल के करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, प्यारी प्यारी बातें मिल के करेंगे। इंतजार कर रही थी जी, मैं भी यकीन करे, आई एम सो एक्साइटेड। बहुत लंबा टाइम निकला है, बहुत बल्कि मैं वेट भी कर रही थी। और पता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको पता है ना कि वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इस किस्म की कंडीशंस हैं, वेदर एक तो चेंजेस, मेरी आवाज इतनी खराब हो चुकी थी मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं इंटरव्यू दे सकूंगी, आपके पास आऊंगी। काफी मुश्किलें काफी रुकावटें आई हैं सीरियसली। कल मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि मेरी तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं थी, तो मुझे भी लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि मुझे आपसे एक्सक्यूज करना पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जब कहते हैं ना किस्मत में लिखा हो जो वो होके ही रहता है, और किस्मत में हमारी बातें लिखा था। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भाई सबको सलाम है मेरी तरफ से, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। राइट, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मैं अपने तमाम लिसनर्स की तरफ से कह देती हूँ। सादिया बाय प्रोफेशन है आप टीचर, और मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा अपना कुछ इंट्रोडक्शन करवाएं अपने अल्फाज में। जरूर क्यों नहीं महवेश, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि आज कतर रेडियो पे जो है माशाल्लाह से, पता नहीं कहाँ से मेरी खुशनसीबी थी जो आज मैं सबके साथ मुखातिब हूँ और आपने मुझे जो है अप्रोच किया। भाई एक बहुत अदना सी और बिल्कुल नॉर्मल सी एक जिसे कह लें हाउस वाइफ कह लें, एक प्रोफेशनल लेडी कह लें मुझे, मैंने अपने करियर का आगाज जो है वो इसी तरह से किया था कि जब मैं, पता है मैं जब छोटी थी ना तो मैं अपने टीचर्स वगैरह की एक एक बहुत अच्छी अच्छी आदतों को सोचती थी कि ये किसी तरह से इनको सब अच्छा क्यों कहते हैं, कि इनके पीछे पीछे सब क्यों जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छे लोगों की कुछ बातें अच्छी लग रही होती है, तो मैं ये सोचती थी कि मेरे में कब ऐसी कोई अच्छी बात आएगी कि लोग मुझे भी कहेंगे, अप्रोच करेंगे और कहेंगे कि नहीं सादिया आंटी जो है ये कुछ अच्छी है, या ये मिस सादिया बहुत अच्छी है, कोई तारीफ करे मेरी भी। तो बस ये एक थोड़ा सा कह लेंगे ये मेरे अंदर एक चीज शुरू से थी कि मुझे तारीफ करने और कराने का बहुत शौक था। फिर हुआ कुछ यूं, हाँ मुझे बहुत ज्यादा, और फिर मेरी स्पेशली जब मैं अपने नाना बू के पास बैठा करती थी तो मेरे नाना बू ने एक बात मुझे की थी जो मुझे आज तक याद है कि बेटा तारीफ जो है ना हमेशा अल्लाह ताला को भी देखे सुनने बंदों से बहुत अच्छी लगती है। उसकी रीजन क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसमें लिखा हुआ है सब तारीफ है अल्लाह के लिए, वो मोहताज नहीं है। लेकिन क्या होता है किसी के अच्छे काम को प्रेज कर देना, किसी के अच्छे काम को कह देना, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, कहने का एक अंदाज हो और वही तारीफ इंसान सुनना चाहता है, तो बस इससे दिल बढ़ जाता था। फिर मैं अपने डैडी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, मेरे डैडी चाहते थे कि मैं जो हूँ ना वो डॉक्टर बनूं। अच्छा, मगर हम जब इस्लामाबाद में, मैंने होम स्कूलिंग वहीं से स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद इस्लामाबाद से करियर मतलब लाइक हम लोगों के डैडी जो थे बड़ी अच्छी माशाल्लाह से गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, उसके बाद वहां से जब हम ट्रांसफर होके यहाँ आए कराची में, अनफॉर्चुनेटली डैडी बीमार हो गए, डैडी की डेथ हो गई, उसके बाद एक ट्रॉमा था, फिर मेरी मदर बहुत जल्दी चली गई, तो बस वो जो एक डॉक्टर बनने का ख्वाब था वो खत्म हुआ। फिर अब सोचा गया कि अब कहाँ जाया जाए, कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन हो जिसमें इंसान जाए। मैं सेल्फ मेड नर्सन अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही किया जो कुछ किया, बस फिर शादी हुई, कंटिन्यू की स्टडी, उसके बाद मैंने जो है लाइन पकड़ी, जब बेटी हुई मेरी मैंने कहा बस अब जो है ना मेरी बहुत प्यारी, अल्लाह ने मुझे बेटी दी, दुआ नाम है उसका। उसके बाद मैंने उसी के स्कूल में जॉब कर ली। अच्छा। वहां से मैंने मेरी जो मेंटोर थी
मेहनाज मिर्जा, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। सिटी स्कूल में मैंने जॉब की थी, बस वहां से आगाज किया। स्टार्ट करते करते थोड़ा सा, फिर जब देखा कि मेरे अंदर गट्स कहाँ से आए, मुझे लोग कहते थे कि आपके बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है, आप बच्चों से बहुत ज्यादा जो है क्लोज होती हैं और बच्चे आपके साथ बहुत अटैच रहते हैं। साथिया जितनी भी सेक्शन आप ले लें उनमें, मतलब जो भी जानते ना रिकग्नाइज करते थे तो ये कहते थे कि मैं सादिया कौन है, स्पेशली आके पूछते थे वो। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी क्योंकि मैं बच्चों के साथ सिंगिंग करना, राइम सिंग करना, ये सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेती थी उनको। ये टाइम चलता रहा, ये महवेश बात है, ये मेरे ख्याल से 23 years बैक बात कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा 23 साल पहले। हाँ, उसके बाद ये मैंने लाइन स्टार्ट रखी, कंटिन्यू किया इसको। उसके बाद चलते 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 हुआ कुछ यूं कि डैडी हम लोगों को सुनाया करते थे स्टोरीज, वो मेरे जहन में थी कहीं। मैंने अपने बच्चों को वो स्टोरी सुनाई क्योंकि बच्चों का जहन खुलता है स्टोरी टेलिंग से, वो इमेजिनेशन में चले जाते हैं। जैसे फेरी टेल्स की स्टोरीज हो गई, स्नो वाइट, ये इमेजिनेशन है ना, ये रियल रियलिस्टिक तो नहीं है। अब बच्चा जब सोचता है ना अपने आप को, इट सेल्फ, वो ये सोचते थे कि मैं, मुझे लगता था कभी कभी मैं फ्रॉक पहनती थी कि मैं जो स्नो वाइट हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिंड्रेला बन गई, मेरी चप्पल कहीं, शू इधर उधर कहीं हो जाता था, एक पहन लिया दूसरा नहीं मिल रहा तो मुझे लगता था कि मैं सिंड्रेला हो गई हूँ, शूज नहीं मिल रहा है या समथिंग, इमेजिनेशन यू नो, बड़ा मजा आता था। तो बस ये सारी चीजें जो है ना, मैंने अपने सोचा कि मैं बच्चों में भी ये चीज जो है ना डेवलप करूं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं विश, बच्चों में ये बातें खत्म हो चुकी हैं, वो नानियों की कहानियां, वो दादियों की कहानियां, और ये सारी बातें यार एक माजी बन के रह गया है। नहीं है ये सब कुछ, अब क्या है, स्टडी पे फोकस है, कुछ इनोवेटिव नहीं है, कुछ अच्छा स्टाइल नहीं है। टीचर्स आती हैं बेचारी, पढ़ाती हैं चली जाती हैं, फोनिक्स पे जोर है आपका जो है इनिशियल इसमें, लेकिन स्टोरी टेलिंग में वो चीज नहीं दिखती। और उर्दू जबान स्पेशली मैंने अब रमजानों में मैंने बनाया एक लेक्चर, क्योंकि ये लॉकडाउन था ना कोरोना, बिल्कुल आपको पता है। इसमें क्या हुआ कि पेरेंट्स जो है उनकी तवज्जो थोड़ी हट गई, परेशान, भाई बच्चों को किस तरह इन्वॉल्व कराए। इन्होंने दिखाना शुरू किए कुछ कार्टून्स इस तरह के थे, वो लाइक इंडियन कार्टून से, मैं बिल्कुल आपके इस प्लेटफॉर्म पे ये बोलूंगी कि उसमें जो एक लैंग्वेज यूज होती है ना वो हमारी जबान तो नहीं है ना, और वो कल्चर भी हमारा नहीं है, जो बच्चे उसको अडॉप्ट कर रहे थे। बस यहाँ से थोड़ा मुझे हुआ कि नहीं, मैंने बच्चों के लिए कुछ करना है। यहाँ फिर काफी मोटिवेशन मिली, मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर करके डाला, बहुत पसंद आया कि मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ, कुछ ग्रुप्स ने शेयर किया उसको। उसके बाद फिर मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि भाई आप इसको जो है आगे लेके चलें किसी तरह से, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, शादी आप ये करें, हमारे बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं। बस जब ये बच्चे पसंद करते हैं बच्चों के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी, फिर मैंने कहा बस ठीक है शुरू हो जाओ। यहाँ हुआ कि अब वो जब एक चीज तो स्कूल की हद तक होती थी ना, अब महवेश हुआ ये कि तब अब मैं सोशल मीडिया पे आई, तो ऑब्वियस बात है कि उसमें बहुत सारे आपके इन लॉज भी हैं, उसमें आपके फ्रेंड सर्कल भी है उसमें, और फिर जब वो हंसी का एक वो था कि जी भाभी क्या हरकतें कर रही हैं, या मामी कैसी लग रही है, या चची ने क्या किया वो कुछ मैंने बहुत कुछ सुना भी, बड़ा मजा भी आया। लेकिन ये है कि बस इस तरह फिर मैंने स्टोरीज क्रिएट की, फिर मुझे एक चैनल था सदा फोरम्स है सीयूस टीवी, उन्होंने सदा भट्टी की है बहुत अच्छी, उसने मुझे है बहुत आगे लेके गई, कराची स्कूल गाइड्स वालों ने मुझे मोटिवेट किया। मैंने एक मिली नकमा भी उसमें उन्होंने मुझे मतलब इनवाइट किया था कि आप करें एक वीडियो बना के भेजें कोई मिली नकमा की, माशाल्लाह माशाल्लाह से उसपे बहुत प्रेज मिला, इवन के आई रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम देयर। तो ये सारी चीजें बस मिला के जो है मैंने एक छोटा सा अपना आईडी बनाई हुई है कहानी घर के नाम से है। बस शादिया मरहूब की ये ही एक वो है। अब अगर मेरी
बस बच्चों के लिए मैं कुछ भी कभी भी हासिल, ये मेरा होता है बस, और कुछ नहीं है। सही सही, राइट सारी। अब बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही की। अभी जैसे आप कह रही थी कि इंडिया के हवाले से जॉब कह रही थी, तो बेसिकली हर मुल्क का एक अपना कल्चर होता है, अपनी एक लैंग्वेज होती है, और ये बड़ा जरूरी होता है। जैसे उनके जो कार्टून है, डेफिनेटली इंडिया वाले बच्चों के लिए बड़े वो बेनिफिशियल है, लेकिन हमारे जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी वैल्यूज को लेकर चलना बड़ा जरूरी होता है हर कौम के लिए। तो इसी हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी देखिए आपने खुद भी जिक्र किया सिंड्रेला, और इसके अलावा जो है स्नो वाइट, अलादीन, जितनी भी हमने स्टोरीज अपने बचपन में सुनी हुई है, जिनको आप कह सकते हैं क्लासिक स्टोरीज में जिनको कहा जाता है कि आती हैं, तो ये सारी की सारी जो है वो बाहर की हैं, मतलब कुछ अरबिक हैं, कुछ यूरोपियन हैं, लेकिन हमें अपने पाकिस्तानी स्टोरीज का कोई अपना ऐसा नजर नहीं आता नाम जो कि हमारे बच्चों के लिए काम करता हो, है ना? बिल्कुल सही कह रही है। तो इसपे आपने मतलब इस पे गौर किया, माशाल्लाह इतना अच्छा आपका अंदाज है स्टोरी का, तो ये भी है फ्यूचर में प्लान कि आपने आपको स्टोरी टेलर के साथ साथ स्टोरी राइटर के तौर पे भी इंटरनेशनली मनवाया जाए, और आपकी कहानियां फिर दूसरे मुमालिक वाले परफॉर्म करें, वो सुनाए अपने बच्चों। बिल्कुल महवेश, असल में बात सारी ये है कि थोड़े से इंसान स्टार्ट करता है ना, थोड़े जब मोटिवेशन मिलती है तो ऑब्वियस बात है कि हम ज्यादा फिर आगे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे एक तरह से जैसे कह लो ना कि एक 23 साल से ये सफर चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था वाकई में कि मैं इस हद तक आगे अपने बच्चों को या जितने भी इंटरनेशनली बच्चे जो है मुझे सुनते हैं। इवन कि मुझे जब एक फर्स्ट टाइम मैसेज आया ना अफ्रीका से आया, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं हाँ बाकायदा तौर पर जो है मैंने आपकी स्टोरी सुनी है और मुझे बहुत पसंद आई आपका स्टाइल, और यहाँ बच्चे आपको बहुत शौक से सुनते हैं। और महवेश उस वक्त लिटरली मेरी फीलिंग्स ये थी कि मेरी आंख से आंसू गिर रहा था, और मैं कह रही थी या अल्लाह तूने मुझे मतलब इस काबिल कर दिया है, या तू मुझसे ये एक शक्कर जारी है ना। और मैंने कहा तूने मुझे इस काबिल कर दिया है कि बच्चे मुझे वहां से सुन रहे हैं। खैर आपकी बात ये थी कि अपनी खुद की क्रिएट करना है स्टोरीज, हाँ बिल्कुल मैंने किए, हुरुफ कहानी की स्टोरीज मैंने खुद क्रिएट की हैं, दूसरा दास्तान गोई की है मैंने, शहाबुद्दीन अकबर पे मैंने बच्चों को बताया है कि वो क्या थे, उनकी दास्तान गोई की बड़े बच्चों के लिए, जैसे पता ही नहीं है ना लोगों को। बिल्कुल। फिर दूसरी बात अपनी हिस्ट्री देखो अगर उठाओ ना, तो वही किताबों की हद तक महदूद है, उसपे हम क्यों नहीं बनाते कोई स्टोरीज, हमारे भी तो है, हैदर अली थे, मोहम्मद बिन कासिम है, इस पे बच्चों को आज बैठा के बात कर लो किसी को हिस्ट्री के बारे में। लेकिन मैं एक बात ये भी कहती हूँ महवेश कि सिर्फ यही हिस्ट्री क्यों, हम बच्चों को जैसे लाइक एक होता है ना मॉरल स्टोरीज है, कुछ इस तरह की सुन्नत कहानियां हो गई जिसमें सबक आमोज हो बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज मेरी अगर आप उसपे देखे ना पेज पे, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये स्टोरी सुनाऊं ताकि एंड में कोई ना कोई मॉरल जरूर हो बच्चों के लिए जिसमें वो कुछ सीखे। तो मेरी कोशिश, मेरी गुफ्तगू यही है। अभी तक तो मैं छोटे पैमाने पे, यानी कि एक अपने समझो कि एक जस्ट अपने पेज पे और आईडी से स्टार्ट किया है ना, बट अगर इसको बड़े पैमाने जैसे आप कह रही हैं इंटरनेशनली लेवल पे, तो वही बात है कि इंशाल्लाह क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगर मुझे किस तरह कुछ प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे और मुझे अगर कोई लाइक वेज मिलेंगे, तो मैं डेफिनेटली मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी इंशाल्लाह। मेरा अपना जब मैंने पहली दफा आपके बारे में सुना था, मुझे पता चला था, तो मेरे अपने जहन में इंशाल्लाह ताला है कि हम जरूर ऐसा एक सेगमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा अपना जो एक ख्याल है ना कि हम लोग मतलब माशाल्लाह से हम लोगों ने जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं अपने अपने प्रोफेशन में, तो उसमें बहुत हद तक हमारी जो किरदार साजी है वो इन कहानियों ने, इन किताबों ने की है। तो ये हमारे ऊपर एक तरह का कर्ज है कि हमें वो लौटाना चाहिए अपने बच्चों को, जो आगे आने वाली जनरेशन है जो कि कहानियों से, किताबों से दूर हो गई है, तो उनको मानूस करना दोबारा बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह ताला हम जरूर सादिया आपके साथ बहुत जल्द कुछ ना कुछ शुरू करेंगे, मैं अपने शो में करूंगी, और हम जरूर अपने बच्चों को प्यारी प्यारी स्टोरी सुनवाएंगे सादिया से। और आपसे जो ये कहा मैंने, हाँ आपसे जो कहा मैंने ये बात, वो भी इसीलिए क्योंकि देखें ये जो कैरेक्टर्स हमारे जहन में हैं, तो आप माशाल्लाह से जब कहानी इतनी खूबसूरत अंदाज से सुनाती हैं, तो इसका मतलब है कि लफ्जों को समझना, कहानियों को समझना, किरदारों को समझना आपके बाएं हाथ का खेल है, पता चलता है। तो आपके लिए ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपने बस इरादा करना है और रास्ते आसान होते चले जाएंगे आपके लिए। तो जरूर क्योंकि अभी जैसे मेरे अपने बच्चे हैं ना, तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि उनको स्पाइडरमैन, बैटमैन इस तरह के करेक्टर से दूर रखा जाए, क्योंकि वो हमारे हीरोज नहीं है। अच्छा, हमारे हीरोज वो हैं जो जिनके बारे में हमारे बच्चों को बताया नहीं जाता, स्कूल लेवल पे भी ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो इंशाल्लाह जरूर हम सारी आपसे चाहेंगे।
बिल्कुल देखिए मैम, जैसे अभी 6 सितंबर पे आप बच्चों से पूछ ले हमारे नेशनल हीरोज के बारे में अगर आप बात करेंगी, तो उनको किसी भी, मैं समझती हूँ, हमारे नेशनल हीरो की स्टोरी तक पता नहीं होगी। ऐसे कोई कहानी उनको नहीं पता होगी कि कितने शहदा जो है वो किस तरह से शहीद हुए थे और क्या उनकी कहानियां थी। हमने पढ़ी थी अपने दौर में, लेकिन अब ये भी हमारे, समझे, एक तरह से करिकुलम से और निसाब से बहुत दूर हो चुकी है। अब बच्चे इन चीजों को ना कंसिडर भी नहीं करते, और वो माँ बाप भी, मैं सीधी सी बात बोलूँ, बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन ये कि माँ बाप भी उस तरह से नहीं रहे हैं कि वो अपने बच्चों को, उनका क्या होता है जी, अपने टाइम पूरे हो जाए, अपने अपने सोशल मीडिया पे या अपने सोशल फेसबुक पे लाइक करना, कमेंट करना, ये वो सारी चीजें उनकी पूरी हो जाए, बच्चों के लिए वो चीज नहीं कर पाते हैं। रात में आके थक के सब सो जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है कि आओ बच्चों हम आपको स्टोरी सुना दे या कुछ। एक होता था, दौर होता था यार पहले, और देखो एक बड़ी अच्छी कोशिश थी, एक वो जो ऐनक वाला जिन स्टार्ट किया था बचपन का हमारा ड्रामा, बिल्कुल ऐसे ड्रामे नहीं बनते आप, कहाँ बनते हैं मुझे बताओ। लेकिन क्या अब आजकल के बच्चों को ये सारी चीजें पता भी नहीं है। हम देखते थे वो ड्रामे, कितना मजा आता था। बिल्कुल सही बात है, और वही तो मैं कह रही हूँ, उसकी वजह से हमारा जो करेक्टर है उसको बनाने में एनक वाले जिन ने, और इस तरह के जो और ड्रामे आते थे कुछ हमारे, वो ट्रैवल के ऊपर होते थे, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ये सब कुछ, तो वो हमारा बड़ा एक उन्होंने किरदार बनाया है, झूठ से कैसे बचना है, चिटिंग नहीं करनी, कितने इस तरह के टॉपिक्स थे। बिल्कुल हाँ, वही ना मैंने कहा ना कि एक जैसे एंड में कहीं ना बच्चों के लिए कोई ना कोई मोरल होता है, जैसे कोई ना कोई नसीहत हो गई, कोई सबक आमोस चीज हो गई जिसको बच्चे गेन करें। अब क्या होता है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ मुझे कहीं दिखता नहीं है, बहुत कमी हो चुकी है इस चीज की, और हमें इसको बहुत आगे लेके जाना चाहिए यार, हमें करना चाहिए प्लान ऐसा कुछ, मैं यही कहूंगी सबके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है साधिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मेरे पास एक मैसेज आपके लिए आया है, तो ये मैं वॉइस नोट चला देती हूँ। सरफराज बहू ने अभी भी, मैंने देखा कि उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा। अस्सलाम वालेकुम साधिया जी, बहुत मस्त एंट्री डेलाइट डिलाइट प्रोग्राम में आरजे माविश मैम के साथ में। मेरा नाम सरफराज डांगू, अच्छा लगा अपने अच्छे बातों के साथ, एकदम एनर्जी के साथ में एंट्री किए। यही बता रहा है कि दिल खोल के जीने का यही बात होता है करके, और आप बच्चों को जब पढ़ाते हो तो बच्चे कैसा महसूस करते हैं और आप कैसा महसूस करते हो उसके ऊपर बात थोड़ी सी आप करेंगे तो और अच्छा लगेगा। और आप अच्छी ही बात कर रहे हो, क्योंकि माँ पापा हम लोग हैं, तो हम भी ऐसे बता के उनको स्टोरीज या कहानी अच्छे बता के शेयर कर सकते, तो नजरिया मालूम पड़ सकता है बच्चों का। तो थैंक यू सो मच आपकी मस्त एंट्री जी। ग्रेट जी, सरफराज धंगू हैं हमारे साथ, और साथ ही इन्होंने आपसे कहा कि जब आप बच्चों को पढ़ा रही होती हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है, तो बच्चों के साथ आप टाइम गुजारती हैं। मैं बताऊं महवेश, मेरे साथ पता है क्या है, हो सकता है मैं अपने वैसे टीचर्स को भी यही ट्रेनिंग देती हूँ, और एज अ ट्रेनर भी मैं यहाँ पे जाहिर सी बात है इतने अरसे से काम कर रही हूँ, तो मेरी पहली कोशिश ये होती थी कि देखो आप अपने घर की टेंशन को ना घर पे छोड़ के आओ, जब स्कूल में आओ ना तो स्कूल की बात करो, इस तरह एंटर हो कि बच्चा आपको खुद देखे और वो आपको देखते एनर्जी जो है ना वो आपसे पकड़ ले। उसको नहीं पता कि आपके घर में क्या मसले हैं, उसको नहीं पता कि आप किस चीज से गुजर रहे हो, उसको नहीं पता कि क्या क्राइसिस है, वो यहाँ आपके लिए आया है। आपने उसको सारा टाइम इस तरह से एनर्जेटिक वे में आपने देना है कि वो बच्चा सिर्फ आपका होके रह जाए, उसको ये हो कि आप उसे घर नहीं जाना, तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप सबसे पहले तो इस तरह से ट्रीट करें बच्चों को, चाहे वो पेरेंट्स हो, उनके लिए एक यही मैसेज है मेरा कि पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चे की पसंद नापसंद को समझें, उसके मूड्स को समझें, उसको ये कह के कभी भी इग्नोर ना करें कि ये तो बच्चा है। आजकल के बच्चे हर बात को समझते हैं, उनमें भी सेंसेस है, उनमें भी हिस है, उनकी बातों को निकालें, उनके कॉन्फिडेंस को निकालें, उनकी जो भी अंदर उनके गट्स है उसको आप पहले निकालें। एक हल्का सा जैसे कहते हैं ना पुश करने से बच्चे की सलाहियत उभर के बाहर आ जाती है, और उसके लिए बहुत जरूरी है पेरेंट्स की आपस में उनके साथ अंडरस्टैंडिंग। आप रहें जरूर उनके साथ लूप में, एक जाहिर है आप पेरेंट हैं, आपका एक रोब भी होना चाहिए उनके ऊपर, ऐसा नहीं, लेकिन दोस्तों वाला रवैया भी इस अंदाज में रखें कि उनकी हर बात मानी भी ना जाए,
और पढ़ाते हुए ऐसा स्टाइल दे कि बच्चा आप पे खुद मगन हो जाओ, जिस दिन आप ना आए आपको मिस करे, पूछे कि मेरी टीचर कहाँ है, वही अंदाज वही चीज। क्योंकि देखिए हमें रोल मॉडल कहा जाता है ना, अब हमारे लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रोल मॉडल्स जो है एक तरह से देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, सुन्नत। हमने उन्हें देखा नहीं है, हमने उनकी बातें सुनी है सहाबा कराम से, हमने हदीस पे सुनी है, हम उस पे अमल पैरा होते हैं यकीनन, वो हमारे लिए ये छोड़ के गए हैं ना निशान। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी शख्सियत को इस तरह रखना चाहिए बच्चों के आगे कि वो जो भी हमारा एक एक एक्ट जिसे कह लेना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा हंसना, हमारा बैठना, हम किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से हम उनके सामने, बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत मैटर करती है, एक्सप्रेशन हमारे क्या है, ताकि बच्चा जो है ना उस चीज को गेन करे और वो उसी अंदाज में पेश करे। तो मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों के साथ टीचर्स का भी रवैया बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, उनको समझना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर बच्चा आपका नॉर्मल डेज से डिफरेंट बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ये बात उसको समझनी चाहिए टीचर को। अगर वो नॉर्मल बच्चों के साथ जैसे नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है और अगर वो डिफरेंट एक्ट कर रहा है, या कुछ दिनों से वो बहुत लेजी हो रहा है, या काम में जो है उस तरह से ध्यान नहीं दे रहा है, अब जैसे कोविड के बाद बच्चे आएंगे तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि बच्चे जो है 6 महीने घर में रेस्ट करके और किस तरह से पैम्पर्ड होके आएंगे, तो हमें उनको डांटना नहीं है बल्कि हमें उनके साथ ऐसी इंटरेक्शन रखनी है कि बच्चा नेक्स्ट डे भी स्कूल आने के लिए विलिंग हो, ना कि उसको पहले ही दिन आके आप प्रेशर करना शुरू कर दो, उसे पढ़ाई से हट के फिलहाल बात करो। आप ऐसा उसके साथ माहौल उसको दें कि आते के साथ उसको ये ना हो कि मुझे अभी स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है ना अब इन चीजों से दूर हो रहे हैं। आप उनको फर्स्ट माहौल ही ऐसा दो कि उसको एनर्जेटिकली, जिस तरह से मेरा एक स्टाइल है, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, मैं बच्चे का नाम लेती हूँ, उसको उसी अंदाज में बुलाना। जैसे जस्ट सपोज इफ आई एम वेलकम लाइक हुरैन को अगर मैं वेलकम कर रही हूँ तो मैं उसको इस तरह से करूंगी, अस्सलाम वालेकुम हुरैन, क्या हाल है हुरैन, क्या हुआ, अरे आई एम सो एक्साइटेड, आपको पता है मैं रात से इंतजार कर रही थी आज हुरैन आएंगी और आज हुरैन आ गई साथ में आंटी के पास। ये स्टाइल होना चाहिए आपका कि आपका बच्चा आपको साथ दे, ना कि एक गुड मॉर्निंग हुरैन हाउ आर यू, हुरैन पुट योर बैग इन द शेल्फ, ऐसा नहीं होना चाहिए इस टाइम। नहीं, बहुत बड़ी बात है और तो बड़ी थोड़ा सा सही बात है। लेकिन ये एनर्जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वाली एनर्जी बच्चों के लिए, मतलब लोग नॉर्मली समझते हैं बच्चों को क्या जरूरत है, मतलब उनको क्या, हम इतने ज्यादा उनके साथ जो है ना वो जोशो खरोश के साथ बात करें, बच्चे हैं आएंगे पढ़ेंगे चले जाएंगे, हमें हमारी फीस मिल जाएगी, हमें हमारी जो सैलरी है वो टाइम पे मिल जाएगी, बस काफी है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये कि ये वाकई मतलब हर बच्चे को इतना इंपॉर्टेंस देना, उसको ये एहसास दिलाना कि तुम मेरे लिए एक VIP इंसान हो, तो ये मतलब वो बच्चा डेफिनेटली आपके साथ, मेरा दिल चाह रहा है आप होती मेरी टीचर काश जो मेरे बच्चों को मिलती है ऐसी टीचर। हाँ सीरियसली, मतलब अगर ऐसी टीचर हो तो इंसान जिंदगी भर पढ़ ले, कभी दिल ना उगताए पढ़ाई से। मैं बताऊँ मेरे साथ पता क्या है, मैं ना सबसे पहले मेरी जो कोशिश होती थी ना साइकोलॉजी सीखे बच्चों की, थोड़ा सा पेरेंट्स को ये देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कहीं पे जो है लैकिंग कर रहा है, या घर में उसका थोड़ा सा लाइक एग्रेसिव हो जाता है चीजों को लेके, या उसका दिल नहीं चाह रहा है, तो उसको बिठाए, सोचे, उससे पूछे उसको क्या पसंद है, डिसलाइक लाइक्स, हमने बल्कि साइंस और SST के चैप्टर्स भी आपने देखे होंगे, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होता है उसमें, माई सेल्फ पे होता है, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं कि आप बच्चों से बात करें, उनसे पूछें, और जब आप ये सारी चीजें करते हो ना, फिर अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ बच्चा जो है स्कूल में तो टीचर बताती है कि बड़ा खुश रहता है और घर में नहीं रहता, या वो घर में तो बड़ा खुश रहता है और स्कूल में आने के लिए रो रहा होता है या कोई और रीजन होता है, तो आप टीचर से जो है टाइम बाय टाइम जो है वो इस तरह मीटिंग्स रखें और आके टाइम लें, उनसे मीटिंग्स कंडक्ट करें, अपने बच्चे के हवाले से बात करें। क्योंकि देखिए कुछ कहते हैं ना कि बच्चा जो है, बच्चा ही तो आगे की शख्सियत है, आपका फ्यूचर है क्या, आप भी तो कभी बच्चे थे ना, आज के जो लीडर्स थे वो भी तो कभी बच्चे थे, वो भी तो एक शख्सियत बने हैं ना, और हमेशा बच्चों को ये सिखाएं कि आपने शख्सियत बनना है बेटा, आपने एक शख्सियत बन के जीना है ताकि आप दिलों में याद रहे। तो अपने आप को इस तरह से रहे, नॉर्मल आदमी आया
जिंदगी गुजारी, चला गया इस दुनिया से, उसकी चार लोग भी नहीं जानेंगे उसको महवेश, बिल्कुल लेकिन आप कुछ बन के दिखाओगे, आप लोगों की काम आओगे। स्टार्टिंग से ये चीज हमें अपने बच्चों में डालनी है और उस चीज को आगे मोटिवेट करना है। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज से अगर हम एक शख्सियत को उभार रहे हैं तो उसमें देखिए, या एक बिल्डिंग की मिसाल ले लो आपके, जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें मजदूर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक डिजाइन करता है आर्किटेक्ट, फिर उसके बाद आप जो है उसका प्लान लेके चलते हो, मजदूर होते हैं, सामान जो प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल क्या लगना है, ये सारा कुछ सोचा जाता है ना, तब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है ना। बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं आपके पास, सारी एक बिल्डिंग का प्लान होता है। इसी तरह एक बच्चा, एक जानदार चीज को आप जब एक समझो कि एक उसको उभारने जा रहे हो, उसको एक ग्रूम करने जा रहे हो आप, तो उसके लिए क्या ये चीजें मैटर नहीं करती कि जो लोग उसकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है उन सबको अपना पार्ट अदा करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल तो सही बात। ये मैं, हाँ ये बस मैं ये चाहूंगी कि जो आपने बच्चे को देना है वो समझें कि आप उनको एक मटेरियल, एक बिल्डिंग में जो डाला जाता है, सीमेंट कैसा होगा, कंक्रीट कैसा होगा, किस तरह की जो है उसमें ब्लॉक्स लगेंगे, क्या कलर होगा उसमें, तो हम अपने बच्चों के लिए ये सब चीजें भी तो सोचें ना, बिल्कुल सही बात है। इसी इतना तरह ही का सीरियस होके। बिल्कुल हाँ, बेसिकली हम लोग ना, हम मतलब बच्चों को भी उसी तरीके से ले रहे होते हैं, अपने बच्चे हो। मैंने जैसे मतलब आजकल की जनरेशन में तो खैर मैं कहूंगी बहुत ज्यादा इन मामलात में जो है ना वो एक आगाही आ गई है, लोग समझने लगे हैं, बच्चों को भी इस तरह से लेके चलते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। अगर हम पिछली अपनी कुछ जनरेशन देखें तो मुझे बड़ी चीज फील होती है कि बस मतलब छोड़ दिया जाता था, पैदा हो गए इधर उधर, जैसे सही अपनी किस्मत, अपना करियर जो चूज करना होगा खुद ही कर लेंगे। बहुत ज्यादा तरबियत के ऊपर जोर नहीं दिया गया, पिछली कुछ जनरेशन की बात में कर रही हूँ तो उसमें देखने में यही मिलता है। लेकिन आजकल अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा लोगों के अंदर ये शऊर आया है, लोग अंदाजा इस बात का लगा रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किरदार साजी में वालदैन भी अपना रोल निभाएं। सिर्फ यही ना हो कि आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्कूल के हवाले, अब आपका बच्चा जो बनता है जैसा है आप ब्लेम को करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। मतलब अगर हम रियलिस्टिक होके सोचें तो बच्चा आप ही का है, बिगड़ेगा या अच्छा होगा, जो कुछ भी होगा क्रेडिट आप ही को जाना है या आप ही को सुनने को मिलेंगी। तो इसलिए अपना किरदार निभाना चाहिए, है ना। तो लेकिन पिछले कुछ अरसे में देखने को यही आया है कि लोग स्कूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगे थे। तो अच्छी चीज है माशाल्लाह से आप जैसे लोगों ने काम शुरू भी किया है और उसकी वजह से लोगों के अंदर और इस बात का शऊर आएगा। माँ बाप भी थोड़ा सा कहना चाहिए कि उनको एहसास होगा इस बात का कि कितनी जरूरत है इस चीज की। साथ ही चले और भी मजीद आपसे बातें करते हैं, लेकिन आपके लिए बड़े मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, तो वो मैं शामिल करना चाहूंगी। सादिन बलोच ने कहा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, सादिन जी बहुत अच्छी हैं आप, बहुत मासूम सी हंसी है, खुशी बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह है आपकी, खुश रहे हमेशा इसी तरह काम करती रहे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अहमद सिद्दीकी, अहमद सिद्दीकी, और ये कहते हैं सलाम सादिया मैम, माशाल्लाह इतनी बुलंद आवाज, इतना खूबसूरत अंदाज, और आपकी बातें सुन के हमें हमारी एक हिस्ट्री की टीचर की याद आ गई, बिल्कुल बुक से दूर अपनी जबानी हमें सब कुछ बताया करती थी, वो सारी बातें जहन में उतर जाया करती थी। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, दुनिया में अच्छा नाम हो आपका, बेस्ट विशेस। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दिल खुश होता है। बहुत 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 मेरी तरफ से आप लोगों के लिए भी दुआएं हैं, और इसी तरह से मुझे दुआ में याद रखें। पता क्या, बस ये होता है कि हर इंसान में कहीं ना कहीं छुपी हुई उसकी कुछ सलाहियतें होती हैं, बस उसको थोड़ा सा निकालने की जरूरत होती है, अगर समझ जाए तो। कुछ लोग, कुछ दोस्त अहबाब आपके इसी तरह से मोटिवेट कर देते हैं, तो आपको समझ आता है कि ये काम जो बहुत अरसे से नहीं हुआ था हमें कर लेना चाहिए था बहुत पहले। लेकिन चले, हर चीज का वक्त मुकर्रर है। मैं लेकिन सिर्फ एक बात ये मैं भी शेयर करूंगी कि जैसे आप कह रही ना प्रीवियस, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि बच्चों की तरबियत में जो है कमी रही है कुछ है। असल में पता क्या, अभी भी कुछ पेरेंट्स जो है, मैं उसमें ये कहूंगी क्योंकि देखिए पहले जो स्टार्टिंग की अगर आप ले लेना जिस दौर में मैं पढ़ी हूँ, तो वहां पे हमें सिखाया जाता था और हम अपने टीचर की कंप्लेन करते हुए डरते थे, यूं कि हमारे पेरेंट्स हमें ये कहेंगे कि आपने कुछ किया होगा। उनका जवाब ये होता था एक्जेक्टली, कि बेटा आप ही कुछ करके आए होंगे, पेरेंट्स मतलब ये पूछते थे हमसे। लेकिन क्या है कि अब आजकल के पेरेंट्स का ये है कि टीचर ने कुछ ना भी किया हो और अगर वो कुछ लाइक उसका अगर थोड़ा सा हक भी जताना चाहे ना वो बच्चे पे, तो वो नहीं जता सकती। पेरेंट्स अपनी कंप्लेंट्स के साथ आ जाते हैं कि जी आपने मारा, टीचर ने ऐसे कैसे कर दिया, एक छोटा सा लंच भी अगर उसका पूरा नहीं होता उस पर कंप्लेन आ जाती है। तो भाई आप पूरी मतलब आपकी पूरी मामला तो सुने टीचर से कि हुआ क्या था, ऐसा क्या था कि आपके बच्चे ने नहीं खाया।
या कोई भी रीजन है, नहीं ये नहीं सुनना है उन्हें, सिर्फ कंप्लेन करनी है, तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है बिल्कुल महवेश, बिल्कुल सही अगर बात इस है। चीज को एडमिट करें नहीं बिल्कुल सही बात है, और ये हम ना। बिल्कुल ऐसी चीज है, किताब की इज्जत और उस्ताद की इज्जत जो देखा जाए तो वो कम हाँ हो ये गई है। चीज, बहुत और कम हो गई। आजकल तो दोनों ही कम दिख रही हैं कहीं कहीं है। अब देखो किताबें जो है, पहले बच्चों को रीडिंग की तरफ मोटिवेट किया जाता था, उर्दू में हुरूफ तहज्जी जो है उसको जब पढ़ाया जाता था और या कोई स्टोरी या कुछ भी किया जाता था, तो उसमें जो है हम लोग लेके चलते थे किस तरह से बच्चों को हिज्जों से पढ़ा दी थी टीचर्स। अब क्या है, रैंडमली रीडिंग करा दी जाती है, दैट्स ऑल, और बच्चा जो है वो अपना काम खुद करे। अब रीडिंग अटक रही है, रीडिंग में मोटिवेशन नहीं है, कोई प्रोग्राम्स ऐसे मैं नहीं देखती हूँ, रिटन पे फोकस बहुत है, काम कराओ कॉपीज में और काम छोड़ा दो, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। अपना स्टाइल नहीं है, चेंज करना चाहिए। अच्छा मैंने एक स्टोरी सुनाई थी बड़ी जबरदस्त थी ना, एक मुझे याद है, उसको इतने बच्चों ने कॉपी किया और उसकी मुझे जो है पर्सनल पे वीडियो सेंड की थी। अच्छा हाँ मुझे बहुत मजा आया था, और मैं बताती हूँ, वो थी स्टोरी लापरवाह टिड्डे। अच्छा ग्रेट। महवेश यकीन करो मैंने ऐसी जस्ट रैंडम वो स्टोरी उठाई थी, हाँ ठीक है, उसमें मैंने देखा कि स्टोरी में था कि चूंटियों पे और टिड्डों पे कहानी थी। अच्छा उसको मैंने जिस स्टाइल में पेश किया, मुझे नहीं पता शायद मेरा तो स्टाइल ही यही होगा, मुझे अंदाजा बाद में हुआ इसका, कि जब बच्चों ने मुझे वो वीडियोस मेरे अंदाज में भेजी तो वो इतनी मुझे पसंद आई, अच्छा और मैं आपको वाओ बताती हूँ मेरा स्टाइल क्या था, किस बिल्कुल तरह हाँ, से मैं था सुनना भी मैंने चाहूंगी स्टार्ट और मैं की। चाहूंगी कि हमारे तमाम मिस्टर सादिया का जो स्टाइल है स्टोरी सुनाने का वो मतलब सुन सकें, तो बिल्कुल सादिया आप सुनाइए, स्टार्ट थैंक कीजिए। यू। चले मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं सुनाती हूँ जिस तरह से मैं पेश करती हूँ बच्चों के सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी आ जाए मेरे सब छोटे छोटे साथियों, क्या हाल है आपके, जल्दी से मुझे बताएं, और ये जो पीछे छुपे हुए हैं ये तो सामने आ जाएं, और ये जो मम्मा की गोद पे है ना जरा गोद से उतर जाएं आप और सामने आके बैठे तो सही। आज सादिया आंटी आपके लिए क्या लेकर आई हैं भाई, याद कर रहे थे ना मुझे, चलो मैं आ गई। अब आपको मैं सुनाती हूँ, आज स्टोरी है लापरवाह टिड्डे। कैसा नाम है, अच्छा नाम है ना, लापरवाह टिड्डे, बोले सब मेरे साथ। लापरवाह चले मैं आपको टिड्डे बताती हूँ। बहुत दिनों की बात है, जब बारिश हो रही थी तो बहुत सारी चूंटियां जो हैं वो सामान उठा के अपने घर जा रही थी, तो वहीं कुछ चिट्टे जो थे वो खड़े हुए उनका मजाक उड़ा रहे थे और बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। चूंटियों क्या कर रही हो, अरे भी चूंटी ये इतना सारा खाने का सामान उठा के किधर ले चली। चूंटियों ने कहा तुम्हें तो परवाह है नहीं, तुम तो ठहरे लापरवाह टिड्डे, तुम्हें क्या फिक्र बारिशों में आगे खाना नहीं मिलेगा इसीलिए खाना जमा कर रहे। अरे टिड्डी, अरे चूंटियों तुम लोगों को क्या अकल, अभी से अरे अभी तो घूमने फिरने के दिन है, बारिशों को घूमने एंजॉय करने के दिन है, और तुम क्या जानो, तुम लगी सामान इकट्ठा करने, जाओ भाई जाओ अपने काम से काम रखो। और हूब हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ दिन के बाद बारिशें इतनी तेज हो गईं कि टिड्डे भूख से मरने लगे, उनको खाने का सामान नहीं मिला। वही टिड्डा जो बहुत हंस रहा था फौरन गया और जाके चूंटी का दरवाजा खटखटाया उसके घर का, और खटखटा के कहने लगा बी चूंटी मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत दिन से बारिश हो रही है, कुछ खाया नहीं मैंने, कुछ खाने को दे दो। वही चूंटी जोर से हंसी। अब पता चला टिड्डे, उस दिन तो हमारा बहुत मजाक उड़ा रहे थे तुम कि हम क्या खाना समेटते चल रहे हैं, अब पता चला खाना दे दो, जा जा टिड्डे कहीं और जा, और जाके किसी और घर से खाना मांग। तो समथिंग लाइक दैट महवेश, मेरा ये स्टाइल है। ग्रेट, मैं पहले तो क्लैपिंग करना चाहूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। जबरदस्त तो बस जबरदस्त ये आदिया, थोड़ा ग्रेट, सा बहुत जबरदस्त, बहुत एनर्जेटिक और बच्चों बड़ा पर। एक्सप्रेसिव आपका अंदाज है माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त लगा सुन के। और बच्चे तो डेफिनेटली तो सुन रहे होंगे ना, तो वो चाह रहे होंगे कि सादिया रुके ही ना, बस कहानी सुनाते रहे हमें। बहुत
बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। बस ये बच्चे मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, नहीं मेरे वो अपने भी बड़े डेफिनेटली हो गए हैं, मैं यही कहती रहती हूँ कि मैं हाँ ना स्कूल के बच्चे हैं कहीं भी देख लूँ ना, बस बच्चों से मुझे बहुत ज्यादा है शुरू से, तो भाई बस ये यार अंदाजा बिल्कुल हो रहा है आपकी बातों इन्हीं से। चीजों पे है। और बड़े अच्छे प्यारे लोग होते हैं, सच्चे दिल के लोग होते हैं जिनको बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है, और बच्चों के लिए जो इतना कर रहे होते हैं, तो आप यकीनन बहुत अच्छी इंसान है, ये तो हमें अंदाजा हो रहा है। अच्छा सादी, कुछ मैसेजेस और हैं वो भी मैं शामिल करना चाहूंगी। गोविंद शर्मा आपको कह रहे हैं कि जी सादी जी आप बिल्कुल बरकूप को बिल्कुल वेलकम, बिल्कुल, और प्रोग्राम में इनका इतनी खूबसूरत थैंक बातें सुन के, इतनी खूबसूरत आवाज, जबरदस्त इंटरव्यू, बहुत मजा आ रहा है, और बात सुन के इनकी एनर्जी मिल रही है हमें। अरे थैंक यू सो मच। ये है कौन, ये क्या इनका नाम नाम है? है गोविंद शर्मा, नेपाल से ताल्लुक है अच्छा, इनका। थैंक यू शर्मा साहब, थैंक यू जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादा सलीम है, कहते हैं जबरदस्त अंदाज मैम, वाओ एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। और अमरजीत सिंह ने कहा है वेरी वेरी नाइस इंटरव्यू चल रहा है, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, बिल्कुल सही, ग्रेट सादिया जी। और असमत आफरीदी ने भी थैंक आपको यू, आपको कहा, असमत आफरीदी ने, कि बहुत खूब, जबरदस्त और बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त अंदाज है अहमद सिद्दीकी, जबरदस्त जबरदस्त। अहमद सिद्दीकी ने खूब तालियां भी बजाई हैं। रिशान खान कहते हैं वाह भाई जबरदस्त, कमाल का अंदाज। अरे थैंक राइट, गुललाल सिंह ने भी आपको मैसेज यू किया भाई, है, और ये भी आपकी बहुत तारीफें कर रहे हैं। गुलाम अब्बास पठान बहुत तारीफें कर रहे हैं, मतलब बेशुमार मैसेजेस आ गए बहुत भाई आपके शुक्रिया लिए, बेशुमार मैसेजेस। भाई बहुत शुक्रिया महवेश, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का बहुत करम है, वरना वही बात है कि हम किस काबिल। नहीं बस कहते हैं ना कि आप सब में छुपी हुई, बच्चों में भी, बल्कि मैं कहती हूँ हर एक में कोई ना कोई सलाहियत है, उसको निकाले, सोचें। मैं तो पता है एक मैंने अपने उसमें ही आईडी पे जो है ना, एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, एक मैसेज दिया था कि सेल्फ एनालिसिस सबको करना चाहिए, अपनी बिल्कुल जात का तजिया कीजिए, और यकीन कीजिए उसमें कितने ही लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए थे उसके बाद के, उन्हें खुद वाकई में ये अंदाजा नहीं है कि उन्हें किस वक्त पे कौन सी चीज पसंद है, खाने की क्या चीज पसंद है, उन्हें रंग कौन सा एक्चुअल किस चीज में पसंद है, कभी जात का तजिया किया ही नहीं कि बुरा क्या लगता है और अच्छा क्या लगता है। बिल्कुल तो सही ये बात है। जरूर करना चाहिए, उम्र का कोई हिस्सा भी ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, सही बात है, बिल्कुल क्योंकि सही बात देखिए है। कैद नहीं है ना, हमें तो खुशियों को हासिल करने की कोई कैद तो है नहीं कि जिसमें कहीं लिखा हुआ हो किसी किताब में कि जी खुशियां हासिल करने की बस यही उम्र है या इसकी यही लिमिटेशन है। तो खुशियां जब तक जिंदगी है, जिंदगी के आखिर वक्त तक हमें मेरे ख्याल से लोगों को खुश भी करना चाहिए और अपने लिए भी टाइम निकाले, अपने बिल्कुल आप सही को भी बात है। खुश और करें। अपने आप को इम्प्रूव करने में, हो सकता है कि आपके अंदर कोई क्वालिटी, कोई सलाहियत छुपी बैठी हो जिसका आपको खुद अंदाजा ना बिल्कुल हो, तो उसको खोज लगाना बड़ा जरूरी है कि इंसान अपने आप को जरा बिल्कुल जज बिल्कुल करता रहे ना कि क्या है, हो सकता है कुछ ऐसा हो जिससे लोगों को बड़ा फायदा हो जाए। और आपने पूरी पूरी जिंदगी इतनी बिल्कुल मसरूफियत में बिल्कुल गुजारी है, तो एक वक्त आता है जब इंसान थोड़ा रिलैक्स भी होता है और कुछ रिटर्न कर सकता है सोसाइटी को, तो वो बिल्कुल करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल पता है क्या, हर जी इंसान में महवेश एक बच्चा छुपा हुआ होता है, उस बच्चे को सिर्फ बाहर निकालने की जरूरत है। आप प्रिटेंड ऐसे करो ना कि आप बहुत बिजी लाइफ में गुजर रहे हैं और आपके पास वक्त नहीं है, आप जो है अपना सारा टाइम जो है ऑफिस में गुजार दिया, उसके बाद आप घर चले गए, थोड़ा सा कुकिंग में कर गए, या मैं ये काम भी करूं, मैं ये काम भी करूं, भाई उस चिड़चिड़ाहट का फायदा ना तो किसी दूसरे को मिल रहा है ना आपकी जात को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली यही चीज अगर खुश असलोबी से अंजाम दे देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा सबके लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वेट सादिया, तो अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, उन लोगों के लिए कोई मैसेज हो अच्छा सा प्यारा सा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक तो ये कि मैं कहूंगी आप लोगों को कि जिनको भी शौक है कहानियां सुनने का, एटलीस्ट तो वो कहानी घर मेरा छोटा सा आईडी है, उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं है, अगर जिनके बच्चे सुनना चाहें तो वो जरूर ज्वाइन करें। और दूसरी बात ये कि देखिए मैं हमेशा एक बात ये कहूंगी कि जितने भी पेरेंट्स या जितने मतदाता, जितने भी लोग इस वक्त व्यूअर्स मुझे देख रहे सुन रहे हैं सॉरी, तो अपने बच्चों की तरबियत और शख्सियत को उभारने के लिए उन्हें कभी डीमोटिवेट ना करें। दूसरी बात, कभी भी टीचर्स हों चाहे पेरेंट्स हों, बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। हर बच्चे में एक शख्सियत अलग उसकी शख्सियत है, अगर उसने कोई गलती की है तो किसी के सामने उसको ना डांटे,
उसको तो आपने जिस दिन किसी दूसरे के सामने डांट दिया या आपने कुछ कर दिया, बस वहां से समझें कि आपने उसकी इंसल्ट तो कर ही दी है, आपने अपनी भी जो है वो जो उसका प्यार और एक मान था ना वो खत्म कर दिया। वो अपने राइट दिल में एक आपके लिए इमेज बना के बैठा हुआ है कि ये मेरी टीचर ऐसी है या ये मेरे पापा है या ये मेरी मम्मा है, और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा इस चीज को। लेकिन जहां आपने उसको डीमोटिवेट कर दिया किसी दूसरे के सामने, या आपने किसी दूसरे बहन भाई के साथ भी कंपेयर कर दिया कि ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तुमसे तो होगा ही नहीं, या तुम पढ़ाई में बहुत पीछे जा रहे हो या जा रही हो, और ये तुम्हारे देखो बड़ा भाई और बहन जो है वो कितने अच्छे नंबर लेके आया, ये स्पोर्ट्स कितना अच्छा करता है, ये देखो ट्रॉफी लेकर आया है, आपने वही उसको जो है समझें कि आपने आपकी जो एक रिस्पेक्ट थी, जो प्यार था ना उसके दिल से, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा। उसको फिर लगेगा कि मैं तो कर ही नहीं सकता ना, मैं कुछ भी कर लूं, पापा ने तो या अम्मा ने तो जो है ना वो उन्हीं को प्रेस करना है, या टीचर ने तो हमेशा इस बच्चे की ही तारीफ करनी है, तो फिर मैं ना भी करूं तो मैं बुरा ही हूँ, करके भी बुरा ही बनूंगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये ऐसा ही है। बच्चे में चीज आ गई ना अगर महवेश, बस वो फिर आपके ये समझ ले कि उसकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। ऐसा कभी ना करें, बस ऐसा सही कभी बात, ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सादिया। और अभी भी आपके लिए बेशुमार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, रुस्तम है और इसके साथ ही बेतहाशा लोग हैं, भी नाम मैं सबके पढ़ नहीं सकती, लेकिन सबने आपकी बहुत माशाल्लाह, तारीफें, बहुत शुक्रिया। अप्रिशिएट किया है। तो मैं सब सुनने वालों को ये बताना चाहूंगी कि बिल्कुल मेरा प्लान सादिया से इंटरव्यू जब हमने किया था फाइनल कि हम आपका करने वाले हैं, उससे पहले से प्लान है कि सादे को इंशाल्लाह ताला हम जरूर FM 107 पे लेकर आएंगे और इनसे बच्चों की कहानियां जो है वो हम सुनेंगे। और आप लोग भी, मतलब हर बंदे के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है ना, मतलब ये बच्चा कभी मरता नहीं है और उसको मारना भी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ना सिर्फ ये कि बच्चे सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, हम खुद भी सुनेंगे और एंजॉय करेंगे कहानियों को और सीखने की कोशिश करेंगे उससे। तो साथ ही बहुत इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे फिर दोबारा मिलेंगे ऐसी हवा के दोष पे, इंशाल्लाह ताला।